हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके और जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न पर बनाए गए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में आपसे जो 5 क्वेश्चंस पूछ जाएंगे उसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है और इसके बारे में बात करें तो 1861, ठीक है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा कह सकते हैं, उस वक्त के तत्कालिक जो वायसराय थे जो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की सहायता से स्थापित किया गया था। और हम बात करें कि अब वर्तमान में, जैसे कह सकते हैं वर्तमान में नहीं, आधुनिक भारत के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 ईस्वी में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर दिया गया था। और उस वक्त कह सकते हैं कि प्रथम महानिदेशक कौन बनाए गए थे, तो जॉन मार्शल। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया, किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बात कही गई है, और वो जो वेद है वो है अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस वेद में यानी अथर्ववेद में बात करें तो वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि और मंत्रों के बारे में कई प्रकार के इसमें औषधियों के साथ साथ ये सब भी वर्णन किए गए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर का, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वो स्थित नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कह सकते हैं कि पूर्वी हिमालय का या फिर पूर्वी भारत का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कि राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिनाइल कीटोनूरिया नामक जो रोग है वो क्या है, आपको बताना है कि फिनाइल कीटोनूरिया जो नामक रोग होता है वो क्या होता है, किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तकों में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाते हैं जिस वजह से होते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो है वो तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो बता रहे हैं आपको तवांग मठ जो वो कहाँ स्थित है। तो तवांग में मठ कह सकते कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में टाबो मठ कह सकते हैं और एक होता है सासुर मठ। ठीक है, सासुर मठ, ये दोनों को याद रखेंगे। सिक्किम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, वो है रुमटेक मठ। ठीक है, रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन जो कि शक्ति होती है। तो पुनर्योजन शक्ति सबसे कम जो होती है वह मस्तिष्क कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 250 लाइक्स का। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस टारगेट को पूरा करने में ज़रूर सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, यानी कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बाहर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो नॉइज़ हो रही होगी, तो आई होप कि प्रॉब्लम तो हो रहा होगा लेकिन थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य कौन सा है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है। तो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था जो कि नामदफा टाइगर रिजर्व देखे थे हम लोग, वही है। ठीक है, नामदफा बाघ अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित कह सकते हैं कि ये बाघ अभयारण्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए आपके माइंड में कोई टॉपिक चलता हो तो अगर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, हो सकता है आप ये भी चाहते हो कि क्या ऑनलाइन स्टडी जोन पे वो टॉपिक
अवेलेबल है कि नहीं, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व के बारे में सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हमारी वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी, तो आप लिख सकते हैं टाइगर रिजर्व ऑनलाइन स्टडी जोन, यानी कि अपना टॉपिक लिखे और उसके बगल में ऑनलाइन स्टडी जोन लिखे, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारी वीडियो होगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का प्रयोग सामान्यतः या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो किया जाता है वो पानी को शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे जिसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, और वो जो था अनुष्ठान कह सकते हैं क्या था, तो उस अनुष्ठान को हम कह सकते थे व्रातस्तोम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, और इससे संबंधित जो पॉइंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका वर्णन सामवेद में किया गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक बताइए क्या है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, तो कह सकते हैं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो कह सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्गत कब कहां से कहां तक, 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल ये कवर करता है। ठीक है, कहां से लिया गया था, किस देश के संविधान से ये लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किया गया था, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, बताइए कि प्राकलन समिति जो है वो संसद के किस सदन की समिति है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा की। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्राकलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं कुल 30 सदस्य होते हैं, और कुल 300 सदस्य ये लोकसभा के होते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि प्राकलन जो समिति है वो संसद के लोकसभा की समिति है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कौन सा देश उपग्रह जफर को कक्षा में लॉन्च में विफल रहा, तो बताइए कि कौन सा जो देश है वो उपग्रह जफर को कक्षा में लॉन्च करने में विफल रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि ईरान। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण होता है, भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजन का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि नागा पहाड़ी, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य संघ कह सकते हैं, किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पे ध्यान दिएगा संघ शासित प्रदेश के बारे में पूछा रहा है कि किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने हमारी जनगणना 2011 वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसी तरह से आपको सर्च कर लेना है जनगणना, भारत की जनगणना 2011, और उसके बाद ऑनलाइन स्टडी जोन लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको MCQ के माध्यम से कराया है, आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर हम बात करें कि संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन है, तो दिल्ली है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। कितना है आप ये भी याद रखेंगे, 11,320। ठीक है, 11,320। और राज्यों में बात करें, राज्यों में सबसे अधिक कौन है, तो बिहार राज्य है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, कुंडापुर एवं करवार जो कक्ष वनस्पति है ये कहाँ मिलता है, इसका स्थान कहाँ, आपको ये बताना कि किस स्टेट में मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस स्वराज दल का गठन किया गया था, स्वराज दल का गठन जो है वो किस कह सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय या फिर किस सत्र में किया गया था, और वो जो सत्र था वो गया था यानी कि बिहार के गया में 1922 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कह सकते हैं चित्रंजन दास जी के द्वारा किया गया था, क्लियर, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1977 में इनके समय में। ठीक है, और कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था,
अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किया गया था। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग क्या करो कि जब आंसर नीचे बताते हो कि इसका ये होगा तो बी और सी मत लिखा कीजिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बता दी जाएगी ताकि जो भी कमेंट्स देखें उनको समझ में आ जाएगी हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत लिखे कि 25 का बी होगा 23 का सी होगा, ऐसा नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें कि अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो कब किया गया था, तो 1809 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 1802 में कौन सी संधि हुई थी, तो कह सकते हैं 1802 में बेसिन की संधि हुई थी, 1803 में देवगांव की संधि और 1816 में जो कि सुगौली की संधि हुई थी, तो ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में जो बहती है वो नदी कौन सी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी को कह सकते हैं कि इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में इसका जो विशाल योगदान है इस वजह से कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो आपको बताना है कि किस युद्ध के जीतने के पश्चात, कलंदर की उपाधि उसको मिली थी पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के पश्चात, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इब्राहिम लोदी को इसने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी, चांद बीबी का संबंध कह सकते हैं कि अहमदनगर, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा जो कि एक जैसी है, तो सही आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए सही होगा कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला प्रश्न ये कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है, जो स्वेज नहर है वो किसे जोड़ती है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक करें और 250 लाइक का टारगेट हम जो रखते हैं आप कंप्लीट कर दें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है, आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है इसका कारक क्या है, इसका कारक हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए आलू से संबंधित यहाँ से दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन ये कि आलू किस प्रकार का पौधा है, तो ये तना वाला पौधा याद रखेंगे, तना वाला पौधा, और ये किस कुल के पौधे के अंतर्गत आता है, तो सोलेनेसी कुल के पौधे के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, ये सभी भी सोलेनेसी कुल के पौधे अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में उपापचायी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले विषाक्त जो पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रियाविधि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जकोटा त्रिभुज, ठीक है, जकोटा ट्रायंगल से संबंधित देशों का समूह का चयन करें, जकोटा ट्रायंगल से कौन कौन से देश संबंधित है, तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए जकोटा, जे ए से जापान, के ओ से कोरिया और आपका टी ए से जो कि ताइवान, लेकिन ध्यान रखेंगे जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान इसके अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, तो सूची वन में जो कि शासक दिए गए हैं और उनके उपाधि के साथ यहाँ पे मैं आपको मैच करके बताना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कह सकते हैं, सेंड्रोकोटम यहाँ पे लिखा गया ए का दो के साथ, तो ए का दो के साथ या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, बिंदुसार को आपको पता है कि बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया, तो बी का तीन के साथ, तो बी का तीन के साथ ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अशोक को पता है आपको प्रियदर्शी कहा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी का फर्स्ट के साथ मैच किया गया, सी का फर्स्ट के साथ, और चणागे को विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है काफ़ी शीघ्रता से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 कह सकते हैं अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और फर्स्ट टाइम जो कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो यही हुआ था, पहली बार हुआ और एकमात्र आखिरी बार हुआ था 1976 में, और इसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है, रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो ये जो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण कह सकते हैं, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं एंटी डायरेक्टिक हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सैयद उल सलातीन की उपाधि जो है किसे दी गई थी या फिर किसने धारण की थी, सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी। ये जो उपाधि धारण की गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा धारण की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 343, ठीक है, 343। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो बताइए कि सबसे कम समय तक शासन किसने किया था। तो सही आंसर क्या, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खिलजी वंश। खिलजी वंश ने कह सकते हैं कि 1290 से 1320 तक शासन किया था, जो कि सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2019 से लेकर के 21 के लिए घोषित किया गया इसका थीम क्या है, यानी कि 2019 का भी, 2020 का भी और 2021 का भी, ये विश्व कैंसर दिवस की थीम तीनों के तीनों साल एक ही चीज़ रहेगी, और वो है आई एम एंड आई विल, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है विश्व कैंसर दिवस, तो ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, और सबसे पहली बार 1933 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई बैंकर शक्तिकांत दास को किस पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के राष्ट्रीय बैंकर के रूप में सम्मानित किया गया। आरबीआई बैंकर शक्तिकांत दास को किस पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के राष्ट्रीय बैंकर के लिए बैंकर के रूप में सम्मानित किया गया, और वो जो पत्रिका है द बैंकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमरान में मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया था। उमरान में मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया था, तो ये जो किया गया था कह सकते हैं कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कोनराड के संगमा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इन्हीं के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है वो किसने प्राप्त किया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर एन एस धर्मसक्थु, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेनियल अराप मोई का निधन 4 फरवरी 2020 को हुआ, वह किस देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केन्या। ठीक है, केन्या, केन्या की राजधानी क्या होती है, नैरोबी, और नैरोबी हमेशा अक्सर पेपर में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में ही स्थित है, इस वजह से अक्सर ये पेपर में देखने को मिलता रहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। किशोर कुमार सम्मान से हाल ही में सम्मानित की गई हैं, और वो भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या, और ये पुरस्कार 2018 के लिए इनको दिया गया, 2020 में दिया गया था हाल ही में। तो सही आंसर होगा वाहिदा रहमान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, वाहिदा रहमान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि आप लोगों ने आउट ऑफ 40 से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 40 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। क्यूज क्वेश्चन आपके लिए ये है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। सेकंड ये है कि उपग्रह जफर का संबंध किस देश से है। थर्ड क्वेश्चन ये कि सैंड्रोकोटम किसकी उपाधि थी, और फोर्थ क्वेश्चन ये कि सुगौली की संधि कब और किनके बीच हुई थी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये कि स्वराज पार्टी का गठन किस से संबंधित जो नेता है वो कौन है।
तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं छोटी सी अपडेट्स के बारे में। छोटी सी अपडेट ये है कि एक्चुअली 27 अक्टूबर से अनअकैडमी पे हमारी टीम के द्वारा विजय बीपीएससी 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच 3 आ रहा है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको 10 मंथ्स के लिए, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से और इस बैच की एंडिंग होगी नेक्स्ट ईयर 10 जुलाई 2021 को। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विजय बीपीएससी जो कि 60 डेज़ का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है और ये आपका स्टार्ट हो चुका है 23 अक्टूबर से, ठीक है। और ये बैच आपका हिंदी में है और आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में बैच आपका अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश में ये बैच अपकमिंग आ रहा है और इसके भी आपका जो डेट है वो आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए जो न्यू वैकेंसी आई है बिहार एसआई के लिए, तो उसके लिए भी एक कंप्लीट कोर्सेज स्टार्ट किया गया और ये आपका क्लास जो स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये बैच एंड होगा आपका 31 दिसंबर को। और उसी तरह से बिहार एसआई कंप्लीट कोर्सेज ऑन द बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये आपका 21 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं तो आप लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।